ये हमारा 108 सिस्टम है, जिसमें वन ट्रंक लाइन, आठ एक्सटेंशन लग जाएंगे। ये सीरीज में लाइन वन पे हम ट्रंक लाइन लगाते हैं, जो जंक्शन लाइन आती है एयरटेल MTNL की। उसके बाद आठ एक्सटेंशन है जिसमें हम फोन कनेक्ट करेंगे। ये पावर लीड के लिए दिया हुआ है PWR। इसमें LED दिए हुए हैं, रन LED, लाइन LED, उसके बाद आठ एक्सटेंशन की। अब पावर कोड लगाया मैंने, सिस्टम ऑन है, रन कर रहा है। अभी मैं एक्सटेंशन कनेक्ट करूंगा। अभी मैंने 601, 602, 603 पे तीन एक्सटेंशन लगाए हैं। ये तीन डिफॉल्ट, ये 601 से लेके 608 तक डिफॉल्ट नंबर है इसके। अभी मैंने 601 से 602 को डायल करना है तो स्पेलिंग आएगी। ये CLI भी शो कर रहा है, कॉलर आईडी। ऐसे ट्रंक लाइन की भी कॉलर आईडी शो करता है। अभी इसको हम सिंगल डिजिट नंबर भी बना सकते हैं, डबल डिजिट, थ्री डिजिट नंबर बना सकते हैं। अभी हम इसको सिंगल डिजिट नंबर बनाते हैं, #4 4 0। ये पासवर्ड है। इसके बाद कंफर्मेशन टोन आएगी, इसके बाद 9 1 1 #। अभी हमारा 601 को 1 बना दिया है, 2 2 #। उसके बाद 602 को 2 बना दिया है, 3 3 #। 9 4 4 #। 9 5 5 #। 9 6 6 #। 9 7 7 #। 9 8 8। अभी हमने नंबर बनाए हैं 1 से लेके 8 तक। अभी सेकंड एक्सटेंशन पे कॉल करूंगा, 2 प्रेस किया है, सीधा कॉल जा रही है। अब सेकंड से फर्स्ट को कॉल करूंगा, अगर ये डिस्प्ले शो नहीं करता है तो उसके लिए कॉलर आईडी नहीं आ रही है सिंगल डिजिट पे। तो हम इसमें डिजिट एडिशन का प्रोग्राम करेंगे, #410 पासवर्ड, 1800 हैश डिजिट एडिशन के लिए। अभी देखिए नंबर दिखा रहा है 001, तो इसके आगे 2 डिजिट एडिशन हो गए। ऐसे हम इसको अगर रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट के लिए #4 4 0, एक सिंगल कंफर्मेशन टोन, उसके बाद 4 टाइम 0 हैश। इसके बाद थोड़ा टाइम लेगी कंफर्मेशन टोन आने में। अभी कंफर्मेशन टोन आई है, उसके बाद फ्लेक्सिबल नंबर रीसेट करने के लिए 9000 हैश। ये आ गई हमारी फ्लेक्सिबल नंबरिंग रीसेट। अभी डिफॉल्ट नंबर है 602 से डायल होगा। सिस्टम रीसेट हो गया। अभी इसकी ट्रंक लाइन को एक्टिवेट करेंगे, *410, उसके बाद 0601 #। 0601 है, 1 इज फर्स्ट ट्रंक लाइन। अभी ट्रंक लाइन एक्टिवेट हो गई है, 0 प्रेस करके ट्रंक लाइन मिल जाएगी आपको। यहाँ पे ट्रंक लाइन एक्सेस हो गई है लाइन वाले पोर्ट। इनकमिंग की प्रोग्रामिंग करने के लिए अगर आपने राउंड रोबिन में फोन करवाने,
डायल करेंगे *410 पासवर्ड, उसके बाद 301 हैश फॉर फर्स्ट रैंक लाइन, उसके बाद 301 10 हैश। ये 301 10 हैश करने से हमारा जो भी इनकमिंग आएगी वो 601 पे आएगी। 301 फर्स्ट अंक लाइन, उसके बाद 1 है 601 के लिए, उसके बाद 0 हैश। इसके बाद हम अगर राउंड रोबिन में करना चाहते हैं तो दोबारा हैंड सेट रख के दोबारा उठा के एक प्रोग्राम करेंगे *271 1602। तो अभी हमारी कॉल अगर 601 नहीं उठाता है तो 602 पे चली जाएगी, जिसमें *27 उसके बाद 1 है जो 601 है उसकी लास्ट डिजिट एंड 602 पूरा एक्सटेंशन नंबर डालेगा। ठीक है, अभी कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी उधर। अभी हम ट्रंक लाइन पे कॉल करेंगे, तो ट्रंक लाइन पे कॉल करेंगे तो राउंड रोबिन में रिंग लानी चाहिए। पहले 5 रिंग यहां बजेंगी, अभी इधर रिंग आ गई है, उधर से इधर आ गई। राउंड रॉबिन में अभी हमने सेटिंग की है रिंग का सेमन, इसमें हम जंक्शन डायलिंग कंट्रोल कर सकते हैं। कॉलर आईडी आएगी जंक्शन लाइन की, डीटीएमएफ एफएसके दोनों लाइन की आएगी। ठीक है सर, थैंक यू।